हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह के 8:15 का टाइम हो चुका है, व्लॉग आ चुका है हमारा। 10-5 मिनट होगी, शायद 8:20 हो चुके हैं पूरे। और अभी फिलहाल हमें चलते हैं आलू लेने, क्योंकि मम्मी को बोला मैंने आलू के परोठे बना दे, तो बोल दे आलू ले आओ। तो अभी फिलहाल बाइक का एक ये भी है कि बाइक पंचर भी है कि हमें वैसे चल के जाना पड़ेगा। अरुण चले नहीं चल के चल आज। और तो गाइस, आजकल मौसम थोड़ा आज अलग सही है, पता नहीं क्यों। देखो मौसम अलग सही है, और फिलहाल हम चल रहे हैं बाग में, बाग से ही ले लेंगे आलू। वहाँ पे हमें दोस्त मिलेगा, वहाँ से आलू लेके चलेंगे अपना। तो अरुण ले रहा घी, तो चल लेके चलते हैं। तो गाइस, हमने घी और आलू ले लिया, और अभी चलते हैं घर पे। दुकान बंद थी गाइस, अब एक तो उसी मेन प्रॉब्लम, दुकान बंद थी तो क्या करें, कुछ मिला नहीं ढंग से। और एक चल के आए हैं गांव से यहाँ तक, कम से कम 1 किलोमीटर चल के आए हैं। एक तो गाइस अभी घर पे आ चुका हूँ, और जस्ट अभी मैं नहा ले, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं नहा के फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी मैं नहा लिया, और अभी जस्ट मम्मी आलू के पराठे बनाने शुरू कर रही है। और ये देखो आलू भी तैयार हैं, और वो घी, और फिर बनाते हैं और खाएंगे। 3 बजे बज चुके हैं, 3 से प्लस टाइम हो चुका है। और अमन भाई अपना इधर ब्रश कर रहा है आके, अमन भी आ गया था, और सृष्टि भी आ गया भाई अंदर है सभी। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री चल रहा है यार। इतनी मतलब कि बिल्कुल गर्म हवाएं आ रही हैं, बंदे की क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं टायर डलवाने, आपको पता है भाई टायर ख़राब हो गया, मैंने बहुत बार ब्लॉग में नाम भी ले लिया। और चलते हैं, अरुण ने बाइक निकाल ली है, चल। तो गाइस राज इधर से चल के बाइक पे जाएगा, मैं चल के जाऊंगा, मैं इसे चला खेल जा रहा हूँ, राज सामने से आएगा। तो टायर डलवाते हैं। और गाइस ये देखो दीवार पे काई जमी हुई है, और बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे घास होती है भाई साहब। इस देखो भाई साहब, ये ट्यूब भी फट चुकी है पूरी। तो फाइनली गाइस टायर डल चुका है बाइक का, तो गाइस टायर लग चुका है पूरा फाइनल। देखो भाई लग गया टायर अच्छे से, ठीक है, बढ़िया मस्त है। टायर की गलत है क्योंकि छेद हो रहा टायर में। तो गाइस बाइक का तेल खत्म हो गया था, अब इसके मार गए जान पड़ेगी, मैं बैठता हूँ मार धक्के चल। तो गाइस अभी घर पे जस्ट आ चुके हैं, और आके भाई साहब थकान सॉरी ऐसे ही धक्के मारना रह गया बस, बाकी नहीं तो धक्के लग ही जाते। और 6:58 का टाइम हो चुका, और ये जलजीरा बना बना के पिया जा रहा है। और पापा इसको 10 दिन हो गए लगातार करते हुए, पर अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। तो कह रहा पापा ने ठीक कर दिया, देखते भाई लगा के देखता हूँ। ओ भाई कर गया ठीक। ज्यादा से मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट कर लिया, तो अभी इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।